घर में बैठा इंसान है। जहाँ खेलते थे सब बच्चे, खाली वो हर मैदान है। मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। मान्यवर, कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी है, जिससे निपटने के लिए हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की, जिसके तीसरे चरण के रूप में इसे 17 मई 2020 के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान देश में आपातकालीन और जरूरी सेवाओं के अलावा लगभग सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। मान्यवर, लॉकडाउन अवधि में दुनिया भर में काफी कुछ बदला है। हवा साफ हो गई है, वाहनों का शोर गायब सा हो गया है, व्यवसायिक कार्य रुक गए हैं, जिससे गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां अधिक स्वच्छ पानी के साथ बह रही है। एक ओर जहां हम इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि प्रकृति अपने पुराने स्वरूप में आ रही है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति को पुनः कुपित करने का प्लान भी तैयार हो रहा है। कल कारखाने एवं अन्य फैक्ट्रियां फिर से हमारी नदियों में जहर उड़ेलने के लिए बेताब हो रही है, जिससे लॉकडाउन के बाद पुनः प्रदूषण अपने पांव फैला लेगा। महोदय, बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना उसके परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद सावधानी बरतना स्वयं बच्चे का भी कर्तव्य है। हमारी सरकार ने इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन के माध्यम से सामाजिक दूरी, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने, मास्क का उपयोग करने और साफ सफाई के उपाय बताए हैं। लेकिन 135 करोड़ की जनसंख्या वाले विशाल भारत देश में जब तक इस महामारी से निपटने की दवा का इजाद नहीं कर लिया जाता है, तब तक इन सुरक्षा उपायों का पालन करना और करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, जिससे इस वायरस के तेजी से बढ़ने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। महोदय, लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधे बंद होने से करोड़ों की संख्या में मजदूरों का अपने निवास स्थान की ओर पलायन हुआ है। संबंधित उद्योग, व्यावसायिक गतिविधियां, फैक्ट्री, मॉल्स के पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ होने में एक लंबा समय लग जाएगा, जिससे बेरोजगारी सुरसा के मुख की भांति विकराल रूप ले लेगी। महोदय, जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम है तथा जिनको कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर इत्यादि क्षेत्र में ज्ञान है, उनमें वर्क फ्रॉम होम की सहूलियत बढ़ेगी। लेकिन यदि मंदी का दौर बुरी तरीके से बढ़ेगा तो इन्हीं की हालत सबसे बदतर होगी, क्योंकि ये लोग कंप्यूटर और कुर्सियों से उठकर कुदाली और फावड़ा भी नहीं उठा सकेंगे। महोदय, बात कहने और सुनने दोनों में ही बुरी लगेगी, लेकिन अब मालिक और मैनेजर दोनों ही अधिक उत्पादक, बेहतर काम के प्रति समर्पित कर्मचारियों को उसी तरह छाटेंगे जिस तरह कसाई बकरे को टटोल कर देखता है कि कितना गोश्त निकल जाएगा। ठीक उसी तरह मालिक और मैनेजर अधिक काम की क्षमता को टटोलेंगे। इसलिए तमाम गैर सरकारी नौकरी वालों को अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, अन्यथा बेरोजगारी और भूखमरी का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। महोदय, महानगरों में रोजगार की कमी के चलते एक बड़ी संख्या में लोगों का रुझान रोजगार के अवसर तलाशने में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होगा, जिससे वहां पर लघु उद्योग धंधे स्थापित होने की संभावना बढ़ेगी, साथ ही कृषि क्षेत्र को भी विकास में बल मिलेगा। मजदूर वर्ग तो फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मजदूरी कर ही लेंगे, लेकिन निजी नौकरियों में लगे सफेदपोश एवं हस्तशिल्पी कहाँ जाएंगे, क्योंकि वे तो अपने हाथ के हुनर के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। ऐसे में आने वाली मुसीबतें जिन लोगों को कुछ महीने की लग रही है, वे अभी तक कोरोना की इस मार को समझ ही नहीं पाए हैं। मान्यवर, कोरोना वायरस के डर ने लोगों को हाथ मिलाने के पश्चिमी सभ्यता से दूर करना शुरू कर दिया है, जो कि हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता को भूलकर अपनी सभ्यता को पुनः अपना लेंगे, जिससे सभी के हृदय में स्वदेश की भावना जागृत होगी। महोदय, आर्थिक समस्या और कोरोना संक्रमण के कारण लोगों का भावनाओं के होते हुए भी धार्मिक आयोजनों में भाग लेना कम हो जाएगा। महोदय, माना कि केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मकान मालिकों द्वारा किराए वसूली, स्कूल प्रबंधकों द्वारा फीस वसूली तथा बैंकों द्वारा ऋण वसूली आदि पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं गया है। ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण तरह किराए पर ही निर्भर है, उनके जीवन का क्या होगा? विद्यालय प्रबंधन यदि फीस वसूल नहीं करेंगे तो विद्यालय में कार्यरत स्टाफ को वेतन भुगतान कैसे किया जा सकेगा? बैंकों द्वारा भी किश्त वसूली में दी गई छूट की अवधि के विरुद्ध अधिक ब्याज का भुगतान का भार आखिरकार संबंधित पर ही पड़ेगा। मान्यवर, कोरोना महामारी के इस दौर में विश्व के विभिन्न देशों में भारत में निर्मित दवाओं की मांग बढ़ी है और जिसकी आपूर्ति भी करने की तरफ प्रयास जारी है। भारत में इस वायरस के संक्रमण पर जिस तरह से काबू पाने का प्रयास किया है, उससे विश्व के महाशक्तिशाली देश भी प्रभावित हुए हैं
और देश में उद्योग धंधे हमारे देश की तरफ आकर्षित होने से हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलेगा और हमारा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बड़े बड़ों ने जोर लगाया सारा, हम उस देश के वासी हैं जो देश कभी ना हारा। जिस माटी ने जन्मा तुझे उस माटी का जयकारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।